ये हैं जमीर अहमद साहब, सर हिदायतुल्लाह के दामाद, और आज से ऑफिस के तमाम मामलात यही देखेंगे। थैंक यू। मैं आप लोगों का बॉस सिर्फ तब तक हूँ जब तक मैडम मैडम खुद नहीं आ जाती, या फिर अफान या ऑफिस ज्वाइन नहीं कर लेता। लेकिन अभी तो आप ही हमारे बॉस हैं, प्लीज तशरीफ रखें। मैं फिलहाल बैठना नहीं चाहता, पहले ऑफिस विजिट करना चाहता हूँ। एंड आप लोग अपने अपने काम पर लग जाइए प्लीज। आइए चले। जी जी, माँ। एक बात पूछूं? पूछो। आप नहीं चाहती थी कि पप्पू हमारे साथ आए? हाँ, मैं नहीं चाहती थी। मैं फिलहाल किसी तनकीद और बहस के मूड में नहीं हूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपनी बेटी के साथ खूब इंजॉय करूँ, अपनी पसंद के रंग और कपड़ों की ढेर सारी शॉपिंग करूँ। तुम्हारी पप्पू का तो बस नहीं चलता, हर वक्त मुझे सफ़ेद कपड़ों में ही देखें। ओके। तो फिर एग्जाम्स के बाद तुम क्या करोगे? बाबा का बिजनेस संभालूंगा, और क्या करना। अम्मी मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही है। क्यों? क्यों का क्या मतलब? भाई तुम्हारी शादी तो मुझसे होनी है ना, तो फिर क्यों? शादी तब होगी जब तुम रिश्ता लेकर आओगे। यू फूड कोर्ट में बैठकर शादी नहीं होगी, और वैसे भी बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक कह रही हो। तो फिर नेक्स्ट मंथ एग्जाम्स ख़त्म हो रहे हैं, तो तुम अपनी अम्मी को लेकर आ जाना। मैं घर जाके ना माँ से बात करता हूँ। वैसे भी मैंने इतना सब कुछ सोच के रखा हुआ है। मैंने तो ये भी सोच लिया कि मैं ड्रेसेस कहाँ से बनवाऊँगी, हमारे इवेंट्स कितने होंगे, उनके वेन्यूज़ क्या होंगे, कौन कौन से थीम्स होंगे, सब कुछ सोच लिया मैंने। बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा।